बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़पुरी व्लॉगर चैनल। इस वक्त फ्रेंड्स, हम पहुँचे हैं ननकाना साहब सिटी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ननकाना साहब गुरुद्वारा पहुँचें और आपको गुरुद्वारा साहब का जो है दर्शन करवाएं। और वहाँ के जो सिख यात्री आए हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे इंटरव्यू करें और उनसे विचार लें कि ये ननकाना साहब जो गुरुद्वारा है, यहाँ आकर आपको क्या महसूस होता है। फ्रेंड्स, इस वक्त हम पहुँचे हैं ननकाना साहब। ननकाना साहब पहुँचे हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम हैं। कुछ दिन पहले कोई छोटा सा यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो यहाँ की जो पब्लिक के लिए इन्होंने गुरुद्वारा साहब को क्लोज़ किया हुआ है। जो सिख यात्री हैं, सिर्फ उनको इजाज़त है अंदर जाने की। बाकी जो यहाँ की कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उनको ये नहीं जाने दे रहे। फ्रेंड्स, ये दूर बाहर से आप जो है ना दर्शन कर रहे हैं, ये ननकाना साहब का ये मेन गेट है, ये देख रहे हैं पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है। तो आम लोगों के लिए इन्होंने, फ्रेंड्स, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अंदर जाने की, देखते हैं कि अंदर के क्या हालात हैं, क्या जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। तो बाहर से आप ये ननकाना साहब का जो गुरुद्वारा साहब है, इसका आप दर्शन करें। तो उम्मीद है, मैं कोशिश करूँगा सिक्योरिटी वालों से कि मुझे हमें अंदर जाने दिया जाए। अगर अंदर जाने दिया तो फिर हम आपको अंदर का दर्शन करवाएंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारा साहब के बाहर। बाबा गुरु नानक देव जी पैदाइश हुई है, यह साढ़े से मन वास्ते बहुत मकबूल जगह है। ठीक है जी, बच्चों की असी यूट्यूबर ने ये ट्रैवल किए, एक साड़ा दोस्त है निशान सिंह कनाडा तो उन्होंने नहीं नहीं थोड़ी साहब ये अपना आए हैं पेशावर से और पश्तो बोल रहे हो। अच्छा, ननकाना साहब के बारे में दसो कि अपना गुरुद्वारा के बाबा जी पैदा हुए कने ते बाबा जी का जन्म स्थान है। अच्छा, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਨਾਲ ਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਕਾਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੰਡੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ दोस्तों, हमारी कोशिश थी कि हम गुरुद्वारा साहब के अंदर चले, लेकिन सिक्योरिटी के हाँ वो ज़्यादा सख्त है। उन 10-12 दिन हो गए, वो बिल्कुल अंदर जान नहीं देंगे। की वजह? वजह की है? वो पता नहीं यार, सानू भी सही पता। 10-12 दिन हो गए, पहले कोई नहीं सी। उन 10-12 दिन हो गए, बिल्कुल बंद की है। अच्छा, ये दसो कि इतने कितनी आबादी आएगी सिख? तकरीबन 200 घर हैगी। 200 घर? हाँ जी। टोटल आबादी तकरीबन कितने कितने बंदे हो जाओगे तुम? तकरीबन 200 घर हैगी, 1500-1800 बंदे तकरीबन होने। तुम इतने दे ही हो प्रॉपर पार्टीशन तो भी पहले दे? हाँ जी। अच्छा, कितना दे हालात है कैसे मुसलमान? ठीक है, बिल्कुल ट्रेड कर साडे पर मुसलमान जाए, साडा भरा है। ग्रेट, हाँ जी। और अच्छा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। नहीं, इंडिया तो बड़ा बावेला हो रहा है नहीं, तो कोई नहीं है। तो अमन अमान है, सुख शांति आएगी। अच्छा, कोई इस तरह गल नहीं है। तो मुसलमान भरा जो है वो साढ़े भरा, साढ़े भरा तो ज्यादा ही है। कहने पाकिस्तान साढ़े ही आती, पाकिस्तान इंडिया वाले नो जो थोड़े सिख भाई ने उन्होंने मैसेज जो करतारपुर के बारे की मैसेज देना चाहोगे? वो भाई इमरान साहब जो ने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। करतारपुर साहब का लांघा खोलिया है, असं करतारपुर साहब जाके पिछले भी असं गए थे, उत्तर दर्शन किया। बहुत बहुत अच्छा गुरुद्वारा बनाया उन्होंने। अच्छा, तुम ये दसो, तुम्हारे इंडिया के भी रिश्तेदार आए तो मिल सकते हैं? अब थोड़े बड़ी आसानी हो गई है। हाँ जी, मिल सकते
سکتے ہیں لیکن آن جانا جڑا گا تھوڑا مسئلہ ہے گا بند ہے کرتارپور صاحب تقریباً روزانہ جو ہے گا 500,000-800 بندے آ رہے ہیں ہاں جی اچھا کنے گردوارے نے ٹوٹل اتے اتے سات گردوارے نے نام دسو انہاں دا ہاں اے ہے کہ جنم استھان اچھا جنم استھان ایک ہے بالیلا صاحب ٹھیک ہے ایک ہے پٹی صاحب ٹھیک ہے ایک ہے تمبو صاحب ٹھیک ہے کیارا صاحب ٹھیک ہے پنجویں چویں پرچائی ٹھیک ہے ہاں جی سو یہ سچا سودا ایک ہے گا ہاں جی وہ کتھے ہے گا وہ فاروق آباد لنگر چکایا سارے بعد ہر گردوارے رنگل چل رہی ہے ننکانہ صاحب بہت امن ہے بہت سکھ شانتی ہے پاکستان چلو ٹھیک ہے تھینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ انٹرویو دینے کا بہت شکریہ